जी नहीं, आई थिंक वी कैन गो अहेड विद द मीटिंग, नो प्रॉब्लम. नहीं तो द मीटिंग कैन बी टुमारो एज वेल. जी जी आई अंडरस्टैंड. राइट, हाँ आई थिंक आप ट्यूसडे वेंसडे जिस दिन भी आपको कन्वीनियंट हो आप शेड्यूल कर. ठीक है, सी यू देन. आ जाओ बेटा. कैसी हो? ठीक हो? आंटी, दरअसल मुझे कहना था कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ. क्या हो गया बेटा? इज एवरीथिंग ऑल राइट? जिस तरह आपने और शावेज ने मेरी मदद की है और कर रहे हैं, मैं तो चाह के भी कभी आप लोगों का एहसान नहीं उतार पाऊंगी. मेरी तन्हाई का ख्याल रखते हुए आप लोग मुझे यहाँ ले आए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों के घर का माहौल डिस्टर्ब हो या बने हुए रिश्तों में कोई दरार आए. इसका मतलब है तुमने हमारी सारी बातें सुन ली. और जो रिश्ते जुड़ने से पहले ही प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएं, उसके लिए खुद को ब्लेम करना बेवकूफी होती. ये घर मेरी माँ का है, ये इनका डिसीजन है कि यहाँ पे रहता कौन है और कौन नहीं. आप मेरी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ खराब मत करें. रिशा मुझे पसंद नहीं करती. अरे तुम पागल हो गई हो क्या? उसकी पसंद या नापसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. शावेज, ईशा, आई एम सॉरी अगर अरीशा की या मेरी किसी बात से तुम्हारा दिल दुखा. आंटी, मेरा ख्याल है अरीशा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है. तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं अरीशा से बात कर लूंगी, वो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेगी. प्लीज ट्रस्ट, everything's going to be okay. All right? मैं तो खुद से भी यह एतराफ करने से डरती हूँ. मुझे आप अच्छे लगने लगे हैं शावेज, मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे. लेकिन मैं ये आपको कैसे समझाऊं कि जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूं, जो धोखा मुझे अशर ने दिया, इसके बाद किसी भी मर्द पर भरोसा करना मेरे लिए नामुमकिन है. जो जैसा हो रहा है उसको वैसा होने दे. मेरी खता की यही सजा है.
मैया मेरी इकलौती बहन है, तुम तो जानती हो। उस दिन उसके साथ तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे समझा रहे हो जबकि समझाने की जरूरत तुम्हारी बहन को है। मुझे ऐसी कोई शरारत नहीं पसंद जिससे मेरी इंसल्ट हो। अरे क्या हो गया? इसमें तुम्हारी इंसल्ट कहां से आ गई? तो फिर क्या था? जब मैंने तुम्हारी बहन के साथ वो ही किया तो उसकी इंसल्ट हो गई। इस सब में तुम्हें मेरी इंसल्ट नजर नहीं आई? वो क्या हरकत थी? अच्छा छोड़ो इन बातों को। तुम ना बस वो नेहा से सिर्फ एक्सक्यूज कर लोगी ना तो सब ठीक हो जाए। एक्सक्यूज? और मैं? तुम होश में तो हो? साहब मूड क्यों खराब कर रही हो? मैं नेहा को समझा रहा हूँ, मैं मैनेज कर लूंगा ना। क्या हो गया? कोई बात नहीं, आई हैंडल इट। सिर्फ एक बात कर रहा था तुमसे। तुम तो बुरा ही मान गई हो। आंटी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ आ जाओ बेटा। हाँ जी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। कुछ कहना चाह रही थी? जी आंटी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? एक्चुअली मैं चाहती थी कि आपके चैनल के थ्रू मैं मलिक इजलाल के ख़िलाफ़ कुछ व्लॉग्स बनाऊँ और उसे खुद एक्सपोज करूँ। व्हाई नॉट? कोर्ट हमें तारीख पे तारीख दे रही है और वो मजे से अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहा है। आंटी इस वक्त उसकी इलेक्शन में हार ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। ऑफ कोर्स, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। दुआ दे दीजिए, बिटिया की हमारी शादी है, अपने घर की हो जाएगी। दुआ कर दें कि ये सुखी दुआ दीजिएगा बिटिया को और को। तो नहीं गया? वो एक्चुअली माँ ने कहा था कि कुछ यहां से पिक करना है, 10 मिनट लगेंगे। चलो सर। ठीक है, मैं चलती ना। हेलो, या वेयर आर यू? अच्छा मैं आती। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। सो मिस ईशा, ये है तुम्हारा नया टारगेट, तुम्हारा लॉयर। एक्सक्यूज मी, टीवी पे देखा था आपको ईशा की वकालत करते हुए। ईशा ने बताया नहीं आपको, एक जमाने में हम बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। बहुत बुरी तरह मरती थी मेरे भाई अशर पर आपकी क्लाइंट। अशर से शादी करके हमारे घर आने के ख्वाब देख ली।
अशर ने टाइम पास करके छोड़ दिया, लेकिन इसने हार नहीं मानी। तो फिर मेरे बड़े भाई चार के आगे पीछे फिरने लगी और फिर मुफ्त में उन्हें बदनाम कर दिया, यूनिवर्सिटी में इजमीर। और अब आप थकती नहीं हो ईशा? तुम क्या ही बात है तुम्हारी, वैसे अच्छी वकालत हो रही है मॉल के बाहर। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। एनीथिंग एल्स? नो, नथिंग। एंजॉय। रुको ईशा, क्या कह रही थी ये लड़की? मैं इस बारे में डिस्कस करना जरूरी नहीं समझती। तुमसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है ईशा, सच क्या है? मैं आपको सब सच बता चुकी हूं। लेकिन पूरा सच नहीं बताया ना तुमने। मुझे जरूरी नहीं लग। जरूरी है। इस केस में तुम कहीं पे भी गिल्टी हुई ना तो सारा का सारा केस बिगड़ सकता है। बताओ मुझे, सब जानना है मुझे। क्या जानना चाहते हैं आप? केस के मुतालिक जो भी जरूरी बातें थी वो मैं आपको सब बता चुकी। चलें। ईशा बेटा, तुम क्या सोच रही हो आगे अपने फ्यूचर के बारे में? आंटी मैं देखो बेटा, अब तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें बोझ समझने लगी हूँ। मैं एक बेटी की माँ की तरह तुमसे बात कर रही हूँ। मेरी जगह अगर अशमदा होती तो वो भी तुमसे यही सवाल करती। ये केस, ये दुश्मनी, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम पढ़ाई के बारे में सोचो। आंटी आपको जो मुनासिब लगता है आप वो करें, लेकिन मैं इस केस से पीछे नहीं हटूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले हेयरिंग के लिए देर हो रही है। बेटा नाश्ता तो कर। मैं ऑलरेडी लेट हो गया है, अच्छा मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। चल, गुड लक। थैंक यू। ऐसे क्यों प्रटेंड कर रहे हैं जैसे मैं आपकी पूछ रहे हूँ? मैंने कब कहा था उसे कि तुम मेरी मुजरम हो? आप कर रहे हो चीख चीख कर कह रहा है। एक बार अपना चेहरा आईने में तो देख लो। तुम मत देखो मेरा चेहरा, मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ सबके सामने कम से कम अपने हमदर्द को अंधेरा नहीं रखता है। ऐसी कोई बात नहीं। तो क्यों नहीं बताई मुझे हकीकत? तुम कभी मेंशन क्यों नहीं किया कि ये अशर जैसा भी लड़का तुम्हारी जिंदगी में था जिसकी वजह से ये सारा तमाशा खड़ा हुआ? मैंने जरूरत भी महसूस की।
और तब भी नहीं जब मैंने अपनी दिन की बात तुमसे कही। ईशा तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि इसमें विटनेस हो सकता था। ये क्या बताती, मैं पहले कम रुसवा हुई हूं जो एक और बदनामी का दाग अपने माथे पर सजा नहीं थी। अब सामने आ गए हैं ना, अब ले लीजिएगा गवाही। ले लूंगा गवाही। अच्छा जानती हूँ जुल्म क्या होता है, किसी के गुनाह की सजा। ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। रास्ता रोकने का मतलब तुम जाने आए हो यार। भाई जब तक इलेक्शन चल रहे हैं मुझे तंग नहीं करो प्लीज। तो लड़ो ना, किसने मना किया है तुम्हें। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि तुम भाग क्यों रहे हो। कोर्ट नहीं आते, तुम्हारा वकील नहीं आता, ऐसा कब तक चलेगा। जब तक मेरा दिल चाहेगा। मैं चाहूँ ना ये खेल अभी इसी वक्त यहीं पे ख़त्म कर सकता हूँ। मैं फंस गया हूँ यार, बाबा से वादा किया है इलेक्शन तक कोई एडवेंचर नहीं करूँगा, इसलिए तब तक ना तुम लोग ये तारीख पे तारीख खेलते रहो। मैं ज़रा एक दफ़ा कुर्सी जीत जाऊँ फिर तुम्हारा खेल ख़त्म कर, लेकिन इलेक्शन तक तंग नहीं। पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये तुम्हारी आज़ादी का आखिरी इलेक्शन है। अगला इलेक्शन जेल में बैठ के लड़। अभी भी वक्त है, हट जा पीछे। कोई प्रॉब्लम है। पता है अब तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लग रहा मुझे। ऊपर से कसम भी खा ली है कि तुम्हें सजा दिला के रहा। यार ऊपर वाला सब दे, पर ये जो गलत फहमी पालने वाला ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये ना दे। ये दिलवाएगा सजा मुझे। मैंने इसके भाई और माँ को खत्म करवाया और ये अभी तक कहीं साबित नहीं कर पाया। किया तुमने साबित अभी तक कोर्ट में? बेकार है, बेकार वकील है, टाइम ज़ाया कर रही हो तुम। हाँ, एक इशारे पे मेरे बंदे तुम्हारी इस गाड़ी को कवर बना दे। लेकिन एक्चुअली मुझे मजा आ रहा है तुम दोनों के साथ खेलने का। ये जो तुम लोगों की तड़प है ना, ये मुझे अंदर बड़ा सुकून देती है। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा और अरसा खेल लो, ठीक है। और प्लीज Don't disturb me. I'm really busy in elections. चले, क्या करना है? मैं हर वक्त तैयार है मारने के लिए। चलो। आंटी, आज शावेज को क्या हुआ है?
क्या हुआ है? ठीक तो है मेरा बेटा? नहीं देखी, कुछ तो हुआ है ना। आज मैंने उसे कॉल की और कहा कि डिनर पर चलते हैं, तो बिना किसी बहस के ही मान गया। क्यों नहीं मानेगा? तुमसे मंगनी करने चला है? आंटी आई एम सो हैप्पी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरा बेटा सबसे अलग है, ही इज रियली स्पेशल। बाकी इसमें तो कोई शक नहीं कि शावेज सबसे अलग है। अच्छा आंटी अब मैं चलती हूँ, इससे पहले कि शावेज का मूड बदल जाए। जाओ, I'll see you, have fun, bye. माँ, माँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी सो गई हैं। ठीक है। कॉफी? रूबी को कहूँगा बना देगी वो। सब लोग सो चुके हैं, मैं अपने लिए बना रही थी, आपके लिए भी बना देती हूँ। मेरे लिए सहमत करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? कॉफी नहीं चाहिए मुझे। आपकी आदत है ना रात को कॉफी पीने की, मैं अपने लिए भी बना रही थी इसलिए आपके लिए भी बना थी। अब आदतें बदल रहा हूँ। शावेज वो क्या? इश्क है या दगा है, जुर्म है कुछ नहीं या गुनाह है, एक पल में है ये जन्म ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक्स। अच्छा लगा? या इट्स नाइस, थैंक यू। घर के बजाय होटल में रुखसती करने की कोई खास वजह? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं चाहता था कि हमारी बहुत खूबसूरत मेमोरीज बने, ऐसी मेमोरीज जिन्हें तुम जिंदगी भर भुला ना सको। अच्छा, तुम्हें अच्छा ही लगा?
आई मीन तुम नहीं चाहती कि हमारी बहुत खूबसूरत यादें हों? बिल्कुल, ऐसा कौन नहीं चाहेगा। भूख लगी है? खाना ऑर्डर करूं? खा लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। वर्धा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कुछ भी हो सकता है। जी, मैं आ रहा हूँ। अरबाज, क्या हुआ? एक इमरजेंसी हो गई है, तुम परेशान मत हो, मैं भी आ। अरबाज, अरबाज, thank you.
मुझे यहाँ छोड़ के कहाँ गए थे? एक इमरजेंसी हो गई थी। इमरजेंसी हो गई थी? मुझसे बढ़कर क्या है तुम्हारे लिए? दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ हो या वो मर गया हो, तुम्हें मुझे यहाँ छोड़ के ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मैं अपनी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अभी भाई को फोन करके कह रही हूँ कि मुझे लेने आए। किसी को फोन नहीं करोगी? हाउ डेयर यू, मेरा फोन छीनने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। मेरे साथ कहीं नहीं जाओगी। अब तुम यहीं रहोगी मेरे पास। जिस तरह मैं कहूंगा उस तरह करोगे तुम। डिवोर्स, ये ख्याल तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें डिवोर्स भी दूंगा। How dare you? तुमने क्या कोई मुझे मिडिल क्लास लड़की समझ रखा है जो यहाँ चुप करके बैठी रहेगी? मैं अभी होटल मैनेजमेंट को बुलाऊंगी, अरेस्ट कराऊंगी तुम्हें। मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ, मिनाल हूँ मैं, मिनाल मलिक इसरार। मेरे भाई और बाबा को पता चला ना कि तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया है, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। एक एक सांस के लिए तरसोगे तुम।